इसी बीच रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आचार संहिता लागू होने से पहले लगातार हो रहे हैं प्रशासनिक फेरबदल। मामले पर कांग्रेस का तंज, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी 3 माह के कार्यकाल में नाकाम साबित हुई है। जन सरोकारों के जितने भी मुद्दे थे उस सरकार का ध्यान हट गया है, और आपको बता दें कि जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। तो सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया, जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अफसरों के फेरबदल हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, और अब उसको लेकर विपक्ष ने कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनाते। एक शेर है बहुत प्रसिद्ध कि उम्र भर गालिब यही भूल करते रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना साफ करते रहा। कुछ यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव सरकार की है। सरकार के 3 महीने पूरे हो गए हैं, 3 महीने में ही यह सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। सरकार हर मुद्दे पे असफल साबित हो गई है। जो जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही थी छत्तीसगढ़ में, वह दम तोड़ चुकी हैं। युवा, किसान, महिला सभी इस सरकार से निराश हैं। मोदी की गारंटी पूरी करने का दम्भ भरते हैं, लेकिन न महिलाओं, पूरी महिलाओं को पैसा मिला, न पूरे किसानों को पैसा मिला। यह 13,000 वित्तीय कुप्रबंधन इतना ज्यादा है, खराब है, कि 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 3 महीने में ही कर्जा ले लिया। अब ये अधिकारियों के तबादले करके अपने आप को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे तबादले फिजूल की कवायद है। इनकी असफलता से जनता का ध्यान नहीं हटने वाला। चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा के प्रत्याशी हैं, और जब वो कांग्रेस में थे तब ईडी ने एक पत्र लिख के एसीबी को कहा था कि इन्होंने तथाकथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपया लिया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज किया, तो ईडी के पत्र के आधार पर सारे के सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, लेकिन चिंतामणि महाराज को बरी कर दिया। मतलब चिंतामणि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ज्वाइन किए तो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के पति और समता कानूनी जमीन का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है, और कांकेर के प्रत्याशी के ऊपर में भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के तमाम आरोप लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल और मिथ्या आरोप के पोस्टर जारी किए थे। हमने तो जो हकीकत है, जिन जो आरोप उन सब पे कभी न कभी लगे रहे हैं, उसको सामने लाने का प्रयास किया है।